वेलकम टू माय चैनल एस के नॉलेज क्लास। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा समांतर श्रेढ़ी से सवाल, ठीक ना। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिए। सवाल है 8.5.2... का 40वां पद है, यानी कि 40वां पद निकालना है। ऑप्शन ए में है -107, बी में है -109, सी में है -111, डी में है -113। दोस्तों यह ऑब्जेक्टिव में पूछा था, ठीक ना, इसलिए ऑप्शन है। तो सब्जेक्टिव में पूछे कि ऑब्जेक्टिव में पूछे, बनाना उसी प्रकार है जिसे हम आपको बताएंगे, ठीक। जब तक हल नहीं कीजिएगा तो ऑप्शन कैसे निकलेगा। तो दोस्तों ये हुआ प्रथम पद, ठीक, लिखेंगे प्रथम पद, यानी कि दोस्तों ए, ठीक, कितना है 8। उसके बाद दोस्तों सार्व अंतर यानी कि डी दोस्तों, ठीक। डी कैसे निकालते हैं, ये प्रथम पद हुआ, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। तो दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे या तीसरा पद में से दूसरा पद घटा देंगे। तो दोस्तों एपी है तो अंतर सबका समान आएगा, ठीक। तो दूसरा पद में से पहला पद घटा देते हैं तो कितना निकलेगा, 5 घटा 8 कितना हो जाएगा, -3, ठीक। अब देखिए दोस्तों हमें निकालना है 40वां पद ना, यानी कि n बराबर 40 रखना है, ठीक ना। हमें ए एन मालूम करना है, ए एन बराबर वाट, यही निकालना है, ठीक। तो दोस्तों ए एन बराबर सूत्र होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक। अब देखिए a कितना है दोस्तों, 8 है, प्लस n कितना है, 40 है, माइनस वन इंटू डी कितना निकला है, -3, ठीक। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 8 प्लस 40 में से एक घटेगा, 39 गुना -3 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 8 प्लस माइनस गुना कर दीजिए, 9 3 27 के 7 हासिल, 2 3 3 9 2 11। यानी कि दोस्तों 8 में से घटाना है 117, तो कम में से ज़्यादा घटेगा तो माइनस में आएगा, तो 117 घटा यानी 17 में से ही 8 घटाना है तो 9 बचेगा, यानी कि 109 बच जाएगा, -109। ये आपका आंसर हुआ, ठीक ना, जो कि ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों यहाँ बी में है, बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। इसी प्रकार आपको दोस्तों ऑप्शन निकालना है हल करके, ठीक ना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑन कर लीजिए।